60 दिन में जो 11 बार की बैठकें हुई हैं उसमें विश्लेषण नहीं हुआ कि इनके फायदे का क्या है और उनके नुकसान का क्या है? नहीं, आप कई बार आप देखिए ना, इसी बार पिछले बार आपके किसान भाई बहनों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम कोई चर्चा कुछ नहीं, हमें सिर्फ बिल वापस लेना है, तो उसमें चर्चा कहां से हो पाएगा? आप खुद बोलिए, मैं चाहता हूं अन्नदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप आइए चर्चा कीजिए, डेडलॉक तोड़िए, सब सरकार आप एक नहीं कई कदम आपके सामने चलने के लिए तैयार है, शाना बशाना चलने के लिए तैयार, चाहती है सरकार का इसका समाधान निकले, लेकिन ये डिमांड कहीं ना कहीं अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, ढांचा ही खत्म कर दो। ठीक है पवन जी, अपनी बात रखिए, उसके बाद आलोक जी बोलेंगे। बोले पवन जी, पवन जी अपनी बात रखिए, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे। रोहित जी पहली बात जफर इस्लाम जी कह रहे थे डबल स्टैंड कांग्रेस का है, हम ये कहना चाहते हैं डबल स्टैंड कांग्रेस का नहीं, डबल स्टैंड बीजेपी का भी है। अगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज लाए नहीं थे, उन्होंने लागू कर दिया, डबल स्टैंड इनका भी होता है, ये तो लिखित भी नहीं देते, ये चुपके से लाते हैं, चोर गेट से लेकर के आते हैं, कोरोना समय में लेकर के आते हैं, देश कहां पर था, आप क्या कर रहे हो, आप राज्यसभा में लोकसभा में इसकी बहस नहीं करा रहे हो, ये सारी चीज इनका भी स्टैंड को सबको पता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं देश के किसान से, हमने कहा बात कीजिए, बात कौन से दौर नहीं की, 11 दौर किसान गया, 11 दौर में किसान ने बात की, आपकी मंशा की पता चल गई, 3 घंटे किसान बैठता है विज्ञान भवन में, आप ये कहकर के चले जाते हो कि हम नहीं करेंगे अब आपसे वार्ता, आपको जो करना है वो करिए, ये शब्द होते हैं क्या सरकार के, सरकार इस तरीका से चुनी जाती है क्या? जी उससे पहले 10 बार आपसे बातचीत तो हुई थी ना, किसान अगर यहाँ बात को तो आप नकार नहीं सकते। गलत है, मेरा सवाल यह है पवन जी, 10 बार की बातचीत के बाद 11वीं बातचीत से पहले अगर आपके नेता खुलेआम ये कहते घूमेंगे कि हम तो नहीं मान रहे, तो मंत्री आके क्या बोलेगा? नहीं तो सरकार ने खुलेआम नहीं कह रही, आप कर लीजिए अगली बातचीत, मंत्री जी ने तो आज फिर बोला, मुझे से बोला थोड़ी देर पहले कि हम वेट कर रहे हैं किसानों के प्रस्ताव का, कि किसान प्रस्ताव ले आए, क्या आप देंगे प्रस्ताव, आप बुलाएंगे उनको बातचीत के लिए कि हम तैयार हैं, हमने प्रस्ताव बना लिया, आइए बात करते हैं। किसान का प्रस्ताव क्लियर है, किसान का प्रस्ताव क्लियर है, MSP पे कानून बनाओ, C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो और तीनों बिल वापस ले लो, कौन सी बड़ी बात है, बनाइए। जफर साहब बोलिए, हमने दे दिया प्रस्ताव, देखिए नहीं जफर साहब पवन जी, पवन जी अभी यहां से करते हैं, पवन जी जफर साहब बोलिए, नहीं पवन जी देखिए ये यही जो है वो आप चाहते नहीं कि इसका समाधान निकले, जब ये कहता है इंसान, देखिए दुनिया में हर तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट में चर्चा होती है ना, दो पार्टियां जब बैठती है तो चर्चा करके वो एग्रीमेंट में समाधान निकालते हैं कि ये मेरी इसमें ऑब्जर्वेशन है, ये चीजें हैं जो है मैं नहीं पसंद, नहीं लेकिन आप कह रहे हैं कि अग्रीमेंट ही खत्म कर दो, कानून ही खत्म कर दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां पड़ी हुई है, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां पड़ी हुई है, वो एग्रीमेंट नहीं है क्या, कांग्रेस को पूछिएगा उस ऐतिहासिक फैसला किसने लिया था स्वामीनाथन, कि भाई इसमें चेंज कीजिए, ये चेंज किया आपने, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ पवन जी, अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया तो किस सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, इसी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लेकर 2018 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट की, इसी सरकार ने किसान सर्विसेज के अंदर कितनी सारी सुविधाएं दी बताइए, आप आपसे मैं पूछता हूँ, आप किसान हैं, आपको सब एक मिनट, पवन भाई जी आपको एक बात बोलते हैं, आपसे पूछता हूँ आपको एक सवाल का जवाब के साथ में, आप जो एग्रीमेंट किए वो क्या है, किसी को नहीं लाते, ये आपकी सोच है, एक आपकी सोच है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको सेफ्टी नेट हमने एग्रीमेंट किया रिकमेंडेशन में जो हमने कहा नुकसान नहीं आएगा फसलों के, आपको 10% इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं, वो है नहीं है आपके लिखित में, उसमें आप कहते हो नहीं, आप सुनिए आवश्यक वस्तु नियम से क्या होगा, सुन लीजिए क्या होगा उससे, आप देखिए मैं आपसे एक दो सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद उसका सबको जवाब दे दीजिए, सार्वजनिक तौर से जवाब दे दीजिए, मैं आपसे सवाल, अरे आप ये गलत बयानी से अच्छा है कि आप, मैं दो सवाल करता हूँ सार्वजनिक तौर से, आप देश की जनता को जवाब दे दीजिए, नहीं जय, अरे मैं सवाल तो सुन लीजिए, आपके आपकी बात कर रहा हूँ, आप ये बताइए कि 70 के दशक से अगर आप किसान हैं तो किसान के बारे में जानकारी होगी, और जानकारी होगी तो देश के सामने रखेंगे, मैं पूछ रहा हूं कि 70 के दशक से अभी तक 2014 तक आपको कौन सी ऐसी सुविधाएं मिली, कौन सा ऐसा आपकी आमदनी बढ़ी, कौन सा इनपुट कॉस्ट कम हुआ, लेकिन अगर 2014 से अभी तक देखिए तो कितनी सर्विसेज मिली आपके, फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्टिंग, आपको तो किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नहीं, आप भी उस लाइन पर जाओगे, नहीं तो आपको आपको ऐतिहासिक फैसले से 2000 MSP में हमने आपको लाभ किया, हमने फसलों को ज्यादा फसलों पे MSP देने का, सबसे ज्यादा फसलें हमने MSP पे खरीदे, और आपको फसलों का कर, आपको जो आप सुन तो लो भाई, बोलिए
अब जफर इस्लाम जी आप सुन लीजिए शांति, आपने जवाब प्रश्न पूछा मैं जवाब दे देता हूँ। आप एक बार बताइए 2012 में ये बिल कांग्रेस लेकर आना चाहती थी, आप भी कहते हैं आपकी नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने राज्यसभा लोकसभा में इनका विरोध किया, ये भी आप कहते हैं, लिखित है पूरी तरीका से, वो राज्यसभा की कार्रवाई में पूरी तरीका से नोटिस है। आप उसके बाद यहाँ पर रुकिए, जवाब देता हूं, एक जवाब सुन लिया, ऐसे मत जाइए आगे मत बढ़िए, एक सेकंड आप सुन लीजिए भाई, आप यहाँ पर ऐसे बोल के मत निकलिए कि सुषमा स्वराज जी और जेटली जी, आप बताइए कि उस वक्त फसलों के अलावा जमीन के भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, जमीन का भी था, हमने लिखित रूप से कर दिया है कि जमीन नहीं हो सकती, फसलों के हो सकती थे, उन्होंने कहा था एमएसपी पर कानून बनाइए। अब आप दोनों ने क्यों नहीं बनाया, आप दोनों ने आपस में काफी देर संवाद किया, आवश्यक मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड जफर साहब एक मैं आपसे पूछ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं आलोक जी और बहुत देर से वेट कर रहे हैं विजय जी, जरा दोनों को चर्चा में लेके आते हैं। आलोक जी, मंत्री जी कह रहे हैं अदृश्य हाथ है पीछे, लेकिन हाथ है, और जफर साहब तो कह रहे हैं कांग्रेस का ही हाथ है। रोहित जी, मैं मंत्री जी का भी और पूरी बीजेपी का हाथ जोड़ के बिल्कुल नमन करके धन्यवाद करना चाहता हूं कि नक्सली खालिस्तानी चीन और पाकिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ नहीं है, कांग्रेस का ही हाथ है, इतना वक्तव्य बड़ा दिया है इन्होंने, हम इनका बिल्कुल हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, हमारा बिल्कुल हाथ भी है, हम तन मन धन से कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी,